हेलो दोस्तों, मेरा नाम कमल कुमार और आप देख रहे हैं यूनिक एजुकेशन चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे बेसिक टर्मैक्स की बेसिक कमांड। टर्मैक्स की बेसिक कमांड मतलब कौन कौन सी बेसिक कमांड है जिसमें हम पूरी जितनी भी टर्मैक्स की बेसिक कमांड है उसमें हम डिस्क पूरी एक्टिवेट बताएंगे। और टर्मैक्स की बेसिक कमांड में आप क्या क्या सीखेंगे इस बता देते हैं हम। हाउ टू क्रिएट द फोल्डर, हाउ टू कॉपी द फोल्डर, हाउ टू रिमूव द फोल्डर, हाउ टू मूव द फोल्डर, और एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में कैसे जाएँ ये हम इसमें सीखेंगे। और सीखेंगे हम पाथ ऑफ नेविगेशन। तो फ्रेंड, देर ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी का नोटिस में क्लिक करें, और जैसे ही हम वीडियो डालेंगे वो सबसे पहले पहुंचेगी, क्योंकि ऐसी एथिकल हैकिंग वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं डे टू डे लाइफ में आपके लिए। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपने टर्मैक्स एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगा। इसे इंस्टॉल करने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर पर जाएं और गूगल प्ले स्टोर पर सर्च बार में आपको टाइप करना है टर्मैक्स। जैसे आप टर्मैक्स टाइप करेंगे एंटर करना है और आपकी एप्लीकेशन आ जाएगी। यहाँ मैंने ऑलरेडी पहले से इसे इंस्टॉल कर लिया है और यहाँ इंस्टॉलिंग का ऑप्शन आएगा, आप उस पर क्लिक करके इंस्टॉल कर लें। 17 MB की एप्लीकेशन है, इसे कुछ समय लेगा और इंस्टॉल हो जाएगी। और फ्रेंड फिर से करते हैं, इस एप्लीकेशन को आप ओपन कर लेना। मैं ओपन कर ली और देखो वेलकम टू टर्मैक्स ये आ जाएगी। तो इसे पहले क्लियर कर लेता हूँ इस टेक्स्ट को मैं, फिर शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं। तो पहले हमें टर्मैक्स को रेडी करने के लिए हमें अपडेट और अपग्रेड करना होता है। तो पहले मैं इसे अपडेट और अपग्रेड कर लेता हूँ। पहले मैं कमांड लगाता हूँ। अपडेट करने के लिए कमांड लगानी होती है apt apt update। इस कमांड को लगाकर आपको एंटर करना है और आपकी जो पैकेज है टर्मैक्स एप्लीकेशन वो अपडेट होगी आपके इंटरनेट की स्पीड के दौरान। और इसे अपग्रेड करने के लिए आपको एक कमांड लगानी होती है दूसरी apt upgrade। इस कमांड को लगाते ही आपको एंटर करना है और ये अपडेट हो जाएगी। मैंने पहले से अपडेट कर ली, इसे आप कर लें। ठीक, अब ये हमारी जो टर्मैक्स एप्लीकेशन है वर्क करने के लिए रेडी हो गई। अब हम इस पर शुरू करते हैं। पहले मान लीजिए आप जब भी टर्मैक्स को ओपन करेंगे तो पहले हम देखना है कि इसमें हु यूज़र नेम, मतलब यूज़र का जो आगे पता करना है कि इसमें जो टर्मैक्स है वो कौन यूज़र है जो उसे यूज़ करना है। तो उसके से देखने के लिए हमें कौन सी कमांड यूज़ करनी होती है, हु एम आई से पता लगा सकते हैं जो टर्मैक्स है उसका मतलब यूज़र नेम पता कर सकते हैं। तो हु एम आई ये कमांड आपको लिखनी है और आपको यूज़र नेम पता पड़ जाएगा। जैसे ये कमांड लिखेंगे आपको एंटर करनी है और यूज़र नेम आपको जो शो करेगा, देखिए मेरा यूज़र नेम शो कर रहा है फ्रेंड, और फिर क्लियर कर देना है, लिखना है। अब मुझे डायरेक्टरी क्रिएट करना है। जहाँ से मैं डायरेक्टरी क्रिएट कर रहा हूँ तो मतलब मुझे पाथ ऑफ नेविगेशन, तो मैं कमांड है जिसे हम पाथ ऑफ नेविगेशन पता करते हैं होम डायरेक्टरी में हम कौन सी डायरेक्टरी में है। तो हम एक कमांड लिखेंगे जिसे हम पता कर सकते हैं होम डायरेक्टरी में, pwd ये कमांड आप लिखेंगे तो आप किस डायरेक्टरी में, होम डायरेक्टरी में है। आप होम डायरेक्टरी में मान लीजिए आपको एक इस होम डायरेक्टरी से हम दूसरे एक लेवल अप जाना है, इस डायरेक्टरी एक लेवल अप जाना है इस डायरेक्टरी में। तो मुझे cd कमांड लिखना है, cd.ls करूँगा और इसमें pwd करूँगा। अभी कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, अब मैं फिर एक लेवल अप जाना है तो cd कमांड करूँगा मैं, cd और डबल डॉट लगाऊँगा और इससे हमारी ये जो है डायरेक्टरी में pwd जिससे होम डायरेक्टरी में एक लेवल अप चला जाएगा। फ्रेंड नेक्स्ट करता हूँ, अब देख pwd करूँगा, अब ये देखिए फाइल्स में आ गए, मतलब हमारी जो होम जो डायरेक्ट पाथ नेविगेशन है वो फाइल्स में आ गई। फ्रेंड अब मुझे एक लेवल अप टू लेवल अप जाना है तो मुझे फिर से ये कमांड लिखूँगा cd कमांड से टू लेवल अप में जाते हैं। cd कमांड डॉट डॉट स्लैश जैसे एंटर करूँगा हम टू लेवल अप में गए, तो pwd करेंगे अब टू लेवल अप में गए। हमारे थ्री लेवल अप में जाना है, मैंने मुझे होम डायरेक्टरी की थ्री लेवल अप में जाना है।
तो मैं सीडी कमांड करूँगा डबल डॉट और स्लैश डॉट डॉट एंटर करूँगा। अब 3D, अब ये देखिए 3D 3 लेवल अप में गया होम डायरेक्टरी में, तो मैं इसे PWD करूँगा। देखिए अब मुझे वापस जाना है तो मुझे CD कमांड लिखनी है और टीटा साइन इस करूँगा तो मैं होम डायरेक्टरी में पहुँच जाऊँगा। ऐसे में PWD लिखूँगा और होम डायरेक्टरी में पहुँच गए। मान लीजिए हमें सीधे डायरेक्ट मतलब 3 लेवल अप जाना है हमें होम डायरेक्टरी के, तो हम सीधे कमांड लेंगे CD डॉट डॉट स्लैश डबल डॉट डॉट स्लैश फिर डॉट डॉट और एंटर कर देंगे और हम 3 लेवल अप डायरेक्टरी में पहुंच जाएंगे। PWD करेंगे, देखिए डेटा में हम पहुँच गए। अब इसे हम बैक जाना है, मान लीजिए होम डायरेक्टरी में जाना है तो CD कमांड लेंगे और हम लिखेंगे $ होम और तो यहाँ एंटर कर देंगे। अब PWD करेंगे, अब हम होम डायरेक्टरी में पहुँच गए फ्रेंड। दे आपने देखा पाथ ऑफ नेविगेशन है, आपने पता किया पाथ ऑफ नेविगेशन, इस हमने पाथ ऑफ नेविगेशन हो गया। हमने हम एक डायरेक्टरी से मतलब होम डायरेक्टरी से 1 लेवल 3 लेवल अप गए और इसमें हमने वापस भी आपको बताया कि कैसे आप वापस आएंगे होम डायरेक्टरी से, कैसे 2 तरीके मैंने बताए और 3 अब फ्रेंड। और ये हो गया आपका हमारा पाथ ऑफ नेविगेशन। तो फ्रेंड अब हम इसे क्लियर कर लेते हैं। अब हम सीखते हैं सी हमें यूज़र हमारे जो हम देखने हैं हमारी जो टर्मक्स एप्लीकेशन में मतलब क्या क्या कंटेंट है, मतलब यूज़र होम और यूज़र में क्या क्या कंटेंट है। हम अब हमारे जो टाइलस करेंगे चेक करेंगे कुछ नहीं है, तो हम CD कमांड करेंगे होम इसके यूज़र की कमांड में जाना है, होम और यूज़र कमांड में मतलब डायरेक्टरी में जाना है होम और यूज़र की, तो हम इसे CD कमांड करेंगे। हम ls करेंगे, हम यूज़र और होम डायरेक्टरी में होम इशो कर रहा है। जैसे ही हम इसे CD डॉट डॉट करेंगे फिर ls करेंगे, हमारी जो कैश कुछ कंटेंट दिखा रहा है, कैश है कैश कोड कांग्रेस कॉन्फ़िगरेशन कैश डॉट टेक्स्ट तरीका से आ रहा है, तो हम इसे बैक जाना है। क्लियर, हम इसे बैक जाना है CD वापस आना टीटा साइन और इसे हम क्लियर कर देंगे। क्लियर, तो हमने डायरेक्टरी ये भी देख ली। अब हमें देखना है मान लो हमारी जो PWD होम डायरेक्टरी मतलब क्या क्या, हमें होम डायरेक्टरी में चेक करना है कि ls अभी कुछ नहीं है हमारी डायरेक्टरी में। मान लीजिए मुझे ls अपनी जो होम डायरेक्टरी है इसमें चेक करना है मुझे हमारी कितनी लिस्ट हैं, मतलब कितनी लिस्ट हैं डायरेक्टरी हमारी जो हमारी मोबाइल में मतलब क्या क्या परमिशन है, हम लिस्ट हमारी क्या 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 परमिशन लिस्ट दी हुई है वो चेक करनी है। हम एंटर करेंगे तो टोटल अभी 0, हमने कोई परमिशन दी अभी कोई परमिशन दी नहीं है इसलिए वो 0 दिखा रही है फ्रेंड। अब हमें देखना है ls करेंगे, हमने देखना है होम डायरेक्टरी में हमारे होम डायरेक्टरी में लिस्ट ऑफ हेडिंग कितनी है, तो हम ls करेंगे ls -ls lh ये करेंगे और दिखा देगा हमें। अभी टोटल 0 है इसमें भी। अब ऐसे अब मुझे देखना ऑल लिस्ट देखना है, टोटल हमें टोटल लिस्ट देखनी है इसकी डायरेक्टरी में -al कुछ कंटेंट है इसमें शो कर रहा है, कुछ कंटेंट है जी आपको कंटेंट शो कर रहे हैं। जैसे आप जी कमांड लिखेंगे मैं उसे क्लियर कर देता हूँ। अब जैसे ही आप सिक्र करेंगे तो मुझे अब ls फिर करूँगा मैं ls अब -rl अब रिवर्स लिस्ट देखना है हमें, रिवर्स लिस्ट मतलब हमारी रिवर्स लिस्ट मतलब क्या 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 कंटेंट क्या है कंटेंट, इसमें भी 0 है क्योंकि टोटल कुछ नहीं है इसमें भी। क्लियर कर देते हैं इसे। अब मान लीजिए मुझे SD कार्ड में अपने SD कार्ड या स्टोरेज में देखना है मतलब मेरे स्टोरेज में क्या क्या कंटेंट है, तो मैं क्या करूँगा इस कमांड SD कार्ड को देखने के लिए मुझे इसमें CD कमांड लिखनी होगी CD और फिर SD कार्ड और फिर आपको लिखना है एंड डबल एंड का साइन लिखना है, फिर आपको लिखना है
ls। अब जी बता दें इस कमांड से आप अपने SD कार्ड में देख सकते हैं मतलब क्या क्या परमिशन दी हमारे SD कार्ड में क्या क्या है वो इसमें दिखा देगा। तो फ्रेंड जैसे मैं एंटर करूँगा अब देखिए ये इसने दिखा दिए हमारे 9 ऐप्स प्रो है, एंड्रॉयड है, एनिमेटेड टेक्स है, इजेड स्क्रीन रिकॉर्डर भी है, इससे बहुत सारे हैं कैम स्कैनर क्लैसी सील ऐप क्लियर स्कैनर डी डॉक्यूमेंट डाउनलोड एग्नेट इंट्रो मेकर इन्वेस्टर बहुत सारे हैं जो कंटेंट आपको सामने दिखा रहा है। ये देखिए मेरे स्टोरेज में फ्रेंड अब मुझे टोटल लिस्ट देखनी है मतलब टोटल लिस्ट इसकी देखनी है मतलब SD कार्ड में मतलब स्टोरेज मेरी मतलब कितनी लिस्ट है टोटल। तो इसमें देख रहे हैं मैं इसे क्लियर कर देता हूँ। अब मैं इसे लिखूँ CD टोटल लिस्ट SD कार्ड में देखने के लिए आप CD कमांड लिखनी है स्लैश लिखना SD कार्ड लिखना है और फिर एंड डबल एंड साइन लिखना और फिर ls और -l लिस्ट। इससे क्या होगा हमारी जो SD कार्ड में कि टोटल लिस्ट दिखा दे मतलब लिस्ट कितनी है ये दिखा देगा मतलब कितना वो कंटेंट है। तो हमारे इसमें देख रहे हैं ये कंटेंट आ गया देखो क्या क्या सो दिखा रहे हैं इसमें टोटल हमारी जो SD कार्ड में दिखा रहे हैं टोटल 146 ये थिंक कंटेंट है। फ्रेंड देखिए इतना सारा कंटेंट इसमें दिख शो कर रहा है हमारा। तो आप SD कार्ड से इस टर्मैक्स की एप्लीकेशन की मदद से अपने स्टोरेज के में देख सकते हैं मतलब क्या क्या कंटेंट हैं वो आप सो इसमें टर्मैक्स की मदद से करा सकते हैं। तो अभी आपने क्या देखा हाउ टू पाथ ऑफ नेविगेशन हमने इसमें करके दिखाया और स्टोरेज के बारे में हमने शो करके देखा है कंटेंट क्या क्या स्टोरेज शो कर सकते हैं वो टर्मैक्स की मदद से आप कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और दूसरों का शेयर करें। तो फ्रेंड आगे बढ़ते हैं अब मैं इसे क्लियर कर देता हूँ। क्लियर करने के लिए CLEAR ये कमांड लिखनी है और क्लियर हो जाएगी और फिर मैं इसे बैक आता हूँ CD टीटा साइन बैक हो जाएंगे। फ्रेंड अब इसे मैं क्लियर कर देता हूँ हम इसे क्लियर कर देता हूँ कंटेंट को क्लियर कर देंगे। अब हम सीखने जा रहे हैं डायरेक्टरी क्रिएट कैसे करेंगे। तो हम डायरेक्टरी कैसे क्रिएट करेंगे तो हमें इस डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए पहले हमें कमांड लिखनी होगी MKDIR इस कमांड से आप डायरेक्टरी क्रिएट दो। मैं डायरेक्टरी 1 क्रिएट कर देता हूँ 1 ls करूँगा तो हाँ ये डायरेक्टरी 1 क्रिएट हो गई। डायरेक्टरी 1 क्रिएट कर ली हमने अब हमें एक डायरेक्टरी और क्रिएट कर दो MKDIR 2 डायरेक्टरी 2 हमने क्रिएट कर ली ls करेंगे तो डायरेक्टरी 1 डायरेक्टरी 2 हमने क्रिएट कर ली। फ्रेंड डायरेक्टरी 2 क्रिएट होगी अब हम इसे क्लियर कर देते हैं। अब मान लो मुझे डायरेक्टरी 2 को डायरेक्टरी 1 में मूव करना है तो मैं इस कमांड को मूव करने के लिए आपको कमांड लिखनी होगी एक डायरेक्टरी दूसरी डायरेक्टरी मूव करने के लिए कमांड आपको लिखनी है MB डायरेक्टरी 2 डायरेक्टरी 1 ये कमांड आपको लिखनी होगी। आप ls करेंगे और आप 1 डायरेक्टरी में मूव हो गए। अब फिर हम डायरेक्टरी 1 में जाएंगे CD कमांड लिखेंगे और डायरेक्टरी 1 करेंगे ls करेंगे हम डायरेक्टरी हमारी डायरेक्टरी 1 में 2 डायरेक्टरी है ठीक है। अब इसे हम जैसे अब PWD करेंगे देखते हैं हम डायरेक्टरी 1 में पहुँच गए होम डायरेक्टरी 1 में आ गई हमारी। अब से ls करते हैं डायरेक्टरी 2 है फ्रेंड अब फिर हम एक डायरेक्टरी और क्रिएट करेंगे तो MKDIR F1 डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं ls करेंगे ls किया तो डायरेक्टरी 2 डायरेक्टरी 1 डायरेक्टरी 2 और F1 इसमें मतलब हमने क्रिएट कर दी डायरेक्टरी 1 में। अब इसे मतलब अब हमें कॉपी करनी है हमें F1 को डायरेक्टरी 1 में कॉपी करना है तो हम क्या करेंगे तो हम करेंगे cp -r f1
F1 को कॉपी कर रहे हैं हम डायरेक्टरी 1 में। ls करेंगे, एंटर कर दिया, ls करेंगे। अब डायरेक्टरी 1 और डायरेक्टरी 2 F1 ये दोनों में मतलब कॉपी कर हो गया, मतलब जो F1 है हमारे डायरेक्टरी 1 में भी कॉपी हो गया, डायरेक्टरी 2 में क्योंकि ऑटोमेटिक कॉपी हो गया कि डायरेक्टरी 1 में हमें कॉपी किया, और क्योंकि हमने जो डायरेक्टरी 2 है उसको भी तो हमने डायरेक्टरी 1 में मूव किया, तो इसलिए F1 दोनों में मूव कॉपी हो गया। अब हमें डायरेक्टरी 1 में जाना है, cd कमांड करेंगे, cd और डायरेक्टरी 1, ls करेंगे, सॉरी मूव जाना है, मैंने डायरेक्ट दो बार डायरेक्टरी 1 में होम डायरेक्टरी पहुंच गया, ls करता हूँ और डायरेक्टरी 1 में आ गया, डायरेक्टरी 1। अब cd कमांड करता हूँ और डायरेक्टरी 1 में जाना है, पहुँच गया, ठीक है, pwd ये डायरेक्टरी 1 में, ठीक है। अब हम cd कमांड करते हैं, डॉट डॉट s, ls करेंगे, अब डायरेक्टरी 1 में है फ्रेंड, डायरेक्टरी 1 में है। अब इसे हम रिमूव करेंगे, अब इसके मूव करने के लिए हमें F1 डायरेक्टरी कहाँ गई, इसमें F1 टू डायरेक्टरी 1 है, सही है। अब हम RM करते हैं, बैक करते हैं, हमने एक क्योंकि रिमूव हो गया, हम फिर से करते हैं MK डायरेक्टरी फिर से क्रिएट करते हैं क्योंकि रिमूव बैक कर दिया मैंने, MK DIR -KDIR कॉपी करना है फिर से, हम -R F1 डायरेक्टरी 1, ओके, ls करना है, MKDIR KDIR -RF F1 डायरेक्टरी 1, वैलिड ऑप्शन बता रहा है, क्लियर। फिर से करते हैं, cd कमांड कर देंगे हमें, cd pwd, ठीक, होम डायरेक्टरी में हम ना cd डायरेक्टरी 1, ls किया, देखिए, ठीक है, हम आगे बैक, डायरेक्टरी 1, डायरेक्टरी 2, डायरेक्टरी F1, तो हम इसमें आगे, अब हम cd कमांड करेंगे, डॉट डॉट F, ls करेंगे, डायरेक्टरी 1 में पहुंच के, और बैक करना है, cd डायरेक्टरी 1 में जाना है, बैक, ls, अब आगे, ठीक, अब इसे मूव करना है, रिमूव करने के लिए हम कमांड लिखेंगे rm -rf, अब हमें F1 रिमूव करना है, तो F1 रिमूव करेंगे, ls करेंगे, एंटर किया, ls किया और रिमूव हो गया, ठीक है। अब क्या बचा, डायरेक्टरी 1, डायरेक्टरी 2 बचा, अब इसे रिमूव करना है, तो हम इसे भी लिखेंगे rm -r डायरेक्टरी 1, एंटर किया, ls करेंगे और डायरेक्टरी 1 डिलीट हो गया, फिर rm करेंगे और फिर -r डायरेक्टरी 2, एंटर किया, ls करेंगे और डायरेक्टरी सब रिमूव कर दिया हमने। अब इसे हमें डायरेक्टरी होम डायरेक्टरी के 1 से हमने बैक जाना है, वापस जाना है होम डायरेक्टरी में, तो हम cd कमांड लेंगे और -t, एंटर करेंगे, जैसे ही ls करेंगे डायरेक्टरी अब सिर्फ 1 डायरेक्टरी रहेगी, हम क्लियर करते हैं और pwd करेंगे, देखिए होम डायरेक्टरी में पहुंच गए, हम ls करते हैं, कोई कंटेंट तो नहीं है, अभी डायरेक्टरी 1 है क्रिएट, अब हम इसे भी रिमूव करना है, तो हम इसे करेंगे rm remove -r
डायरेक्टरी वन के एल एंटर किया, एलएस करते हैं, रिमूव कर दी। देखिए फ्रेंड, तो टोटल हमने हमने सीखा हाउ टू क्रिएट द फोल्डर, हाउ टू मूव द फोल्डर, हाउ टू कॉपी द फोल्डर, और हाउ पाथ ऑफ नेविगेशन एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी को कैसे मूव करें, तो हमने इसमें सीखा। तो आई होप फ्रेंड आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड। अगर आपको ये वीडियो ज़्यादा ही रिलेवेंट लगा तो दूसरों को शेयर करें और नेक्स्ट वीडियो का वेट करें, कि अगली वीडियो फिर आने वाली है जिसमें हम हैकिंग टर्मक्स के बारे में पूरा वीडियो स्टेप बाय स्टेप अपलोड करते रहें। तो फ्रेंड मिलते हैं, गुड बाय, टेक केयर।